हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिविटी फॉर योर वे बाय शालिनी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आज के थंबनेल में आपने देख ही लिया है कि आज हम बर्ड हाउस बनाएंगे पिगी बैंक से। तो इसके लिए हमें एक पिगी बैंक चाहिए क्ले वाला, और उसे हम होल कर लेंगे हैमर और स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से। इसे हम हल्का हल्का सा होल करेंगे। जब इसमें हमारा होल हो जाएगा तो इसे हम इक्वली एक होल बनाएंगे हैमर और स्क्रू ड्राइवर की ही हेल्प से। वो जो मैंने होल बनाया था वो वाली वीडियो मेरी रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो इसलिए वो स्किप हो गया है। और जब हमारा ये इसमें एक होल बन जाएगा तो इसके बाद हम इसे सैंड पेपर की हेल्प से थोड़ा सा रब कर लेंगे, स्मूथ बना लेंगे जो हमने होल बनाया है। और जब होल बन जाएगा तो इसके बाद में हम इस पर एक बेस कोट करेंगे वाइट कलर के साथ में। वाइट कलर का जब हमारा ड्राई हो जाएगा तो इस पर हम जो हमारी मेन कोट है वो वाला कोट करेंगे। मैं यहाँ पे लाइट टील ब्लू कलर का यूज कर रही हूँ, आप किसी भी कलर का इस पर यूज कर सकते हो। और जब हमारा ये ड्राई हो जाएगा तो हम इस पर अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन बनाएंगे। मैं यहाँ पे एक बर्ड का ही डिज़ाइन बनाऊंगी, एक ट्री की ब्रांचेस बनाऊंगी और बर्ड्स बनाऊंगी। यहाँ पर जो मैं डिज़ाइन बनाऊंगी उसके लिए मैंने मोल्डिट का यूज़ किया है। मोल्डिट के दो पार्ट्स होते हैं, हार्डनर और रेजिन। इन्हें हमें अच्छे से मिक्स करना होता है टैल्कम पाउडर की हेल्प से। जब हमारे ये मिक्स हो जाएंगे तो मैं इसे एक रस्सी जैसी एक रोल बनाऊंगी और फिर इसे बाद में ट्विस्ट करूंगी जो हमने होल बनाया है उसके उसे कवर करने के लिए। उसके चारों तरफ हम इसे रोल को लगाएंगे जो ट्विस्ट बना हुआ है, और फिर उसके बाद में हम इसमें ब्रांचेस बनाएंगे ट्री की। उसे हम कलर की हेल्प से, ब्रांचेस को कलर की हेल्प से बनाएंगे। जो यहाँ पे हमने ब्रांच वाला ट्विस्ट बनाया है इसे हम ग्लू की हेल्प से पेस्ट करेंगे। मैं यहाँ पे फैब्रिक ग्लू का यूज़ किया है थोड़ा सा, क्योंकि कहीं कहीं पर ये पेस्ट नहीं हो रहा था। और उसके बाद में एक साइड में मैंने बर्ड नेस्ट बनाया है, उसके लिए भी मैंने बहुत हल्के हल्के से रोल लिए हैं और उन्हें ऊपर नीचे पेस्ट किया है जिससे ये नेस्ट वाला शेप आए। और फिर उसके बाद में एक उड़ती हुई बर्ड बनाई है और नेस्ट में एग रखे हैं, ये भी मोल्डेड की हेल्प से ही बनाने हैं। और जो उसके बाद में हम यहाँ पे बटरफ्लाई की एक शेप देंगे। बटरफ्लाई के जो फैदर हैं वो हम मोल्डेड से बनाएंगे और जो उसका फेस है वो हम कलर की हेल्प से बनाएंगे। यहाँ पे मैंने ट्री की ब्रांचेस को फ्री हैंड ड्रॉ किया है पेंसिल की हेल्प से, और उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लीफ बनाऊंगी और ये बटरफ्लाई भी उसी के अकॉर्डिंग बनाई है। और इसे जब हम बटरफ्लाई बना लेंगे तो इसे फिनिशिंग देने के लिए मैंने टैल्कम पाउडर का यूज़ किया है। और जब हमारी ये बन जाएंगे जो हमने ब्रांचेस ड्रॉ की है उसके आसपास हमें लीफ क्रिएट करनी है, तो लीफ क्रिएट करने के लिए मैंने मोल्डेड का ही यूज किया है। हल्का सा रोल बनाया है और उसे फिंगर की हेल्प से प्रेस किया है तो वो एक लीफ वाली शेप आ जाएगी। और हल्का हल्का सा उस पर मैंने नाइफ की हेल्प से कट लगाया है। वो कट लगाने के बाद में ये इजीली पेस्ट हो रही थी, इनके लिए मुझे ग्लू की नीड नहीं पड़ी। बट हाँ, अगर ये पेस्ट नहीं होती लीफ तो हम इसके लिए भी ग्लू का यूज कर सकते हैं। ये ग्लू का यूज करने से ये इजीली ये सिक्योर भी हो जाएंगे हमारी। अब यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो गया है, तो जो हमने ये ट्विस्ट बनाया था ब्रांचेज वाला इस पर मैं ब्राउन कलर कर रही हूँ। ब्राउन कलर के साथ में मैंने बहुत हल्का सा ब्लैक कलर को मिक्स किया है तो इसे थोड़ा सा ये ट्री वाला कलर बन गया है, तो ये देखने में भी नेचुरल कलर लगेगा। और नेस्ट पर भी मैंने यही कलर किया है और फिर नेस्ट को दो ब्रांचेज के बीच में रखा हुआ ऐसा शो किया है जैसे टू ब्रांचेज के साथ हो। यहाँ जो ब्रांच है हमें ये ट्री जो हमारे ये ट्विस्ट है ट्विस्ट के साइड से ही निकालनी है। इसे ये जो लगेगा कि यहाँ से हमारा ट्री की ब्रांचेज आ रही हैं और नीचे से हमें ब्रांचेज को भी इसी तरह से शेप देनी है। थोड़ा सा ट्विस्ट करके ही ब्रांचेज को कलर से ही शेप देनी है। उसके बाद में जब हमारी ये सारी ब्रांचेज बनके रेडी हो जाएंगी तो हमें थोड़ा सा इन्हें फिनिशिंग देनी है, जिससे कभी कभी कहीं कहीं पर फिनिशिंग नहीं आ पाती, वो वाली फिनिशिंग देनी है। अभी समर का टाइम है तो इस तरह के बर्ड हाउसेस घर में हैंग हुए हुए भी अच्छे लगते हैं, बर्ड्स भी उस पर आकर बैठती है। जो हमारे बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई का फेस जो हम बनाएंगे वो ब्लैक कलर के हेल्प से बनाएंगे।
उसके लिए मैंने इसे फ्री हैंड ही ड्रॉ किया है, और जो इसकी बटरफ्लाई के लेग हैं उन्हें लीफ पर टच किया है, जैसे लगे कि ये जो बटरफ्लाई है ये लीफ पर बैठी है। और जब हमारे बटरफ्लाई पे कलर हो जाएगा तो मैंने लीफ के लिए ग्रीन कलर का यूज़ किया है। ग्रीन कलर करने के बाद में जो हमारा ये जो ग्रीन कलर है ये मैंने फैब्रिक रील का यूज़ किया है, और ये कलर करने के बाद में हमारा मोस्टली ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मैंने बाद में मुझे ये जो हमने होल के चारों तरफ ये ट्विस्ट लगाया था तो ये थोड़ा खाली खाली लग रहा था, इसके बाद मैंने यहाँ पे एक बटरफ्लाई लगाई है। ये बटरफ्लाई मेरे पास एक मोल्ड है उससे बनाई है, और इसे हल्का सा मैंने ड्राई होने के बाद ही पेस्ट किया है। आपको आज का ये बर्ड हाउस कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जब हमारी सारी लीफ कलर्ड हो जाएंगी तो हम यहाँ पर एग और बर्ड दोनों को वाइट कलर से कलर करेंगे, और उसके बाद में जो बर्ड का फैदर है बर्ड के फैदर को हल्के हल्के से येलो कलर से डॉट्स लगाएंगे, और बटरफ्लाई के फैदर को भी हम ऑरेंज येलो और ब्लू कलर का टेक्सचर देंगे, क्योंकि बटरफ्लाई का जो फैदर होते हैं वो मल्टी कलर्ड होते हैं और देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। और ऊपर की साइड में हमने एक ब्रांच पे दो बर्ड्स बनाई हैं बैठी हुई, उन बर्ड्स को भी हम अपने अकॉर्डिंग कलर कर देंगे। बाद में इसे सिक्योर करने के लिए हम वॉर्निश का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर क्राफ्ट वॉर्निश यूज़ कर रही हूँ, ये वॉर्निश मैंने इसी बिटसी से परचेज की थी। आप इस पर हार्डवेयर वाली वॉर्निश का को भी अप्लाई कर सकते हो। और बाद में हम जो इसके ऊपर की साइड होल बनाए थे दो, उनमें हम थ्रेड डाल के इसे हैंगिंग इसका हैंगिंग बनाएंगे। ये मेरे पास मैक्रम थ्रेड है, ये मैंने लोकल मार्केट से परचेज किया था। इसमें हम ये थ्रेड डालेंगे और फिर हैंगिंग वाला इसमें ऑप्शन बना देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्राफ्ट के साथ में। ओके, बाय बाय एवरीवन, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।